जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली ये खास वीडियो 2018 के भी जो ज्वाइनिंग चल रही है उनमें ज्वाइनिंग के समय भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। वैसे तो इस वैकेंसी ने आप सभी की जान खा ली है, जो नहीं लगे वो बच्चे भी परेशान हैं, जो लग गए वो भी परेशान हैं, उनको भी सुकून नहीं मिल रहा है। अब बार बार आपको ऐसे नोटिस आ रहे हैं, अब एक दो नोटिस और आए हैं ये मूल निवेश जो परमानेंट एड्रेस रेसिडेंसी वेरिफिकेशन वाले। और जैसे ऐसा कोई भी लेटर आता है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों आप सभी के मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि सर इसका क्या उपाय है, क्या करें इंस्टाग्राम पर। तो अब और भी जितने भी मेरे दोस्त हैं जिनकी ज्वाइनिंग आने वाली है उनको ये समस्या भी साथ में चल रही है। तो देखो एक और ये लेटर आया, इसके बारे में आप सभी आपने देखा होगा, मेरे से पहले आप देख लेते हो क्योंकि मैं देखने के बाद में फिर पता भी करता हूँ कि उसका क्या समाधान निकाल सकता है, क्या उसका समाधान होगा, इसकी कोशिश करता हूँ मैं हमेशा। तो दोस्तों अब आपने जो गलतियाँ की है छोटी मोटी उनकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आपको ज़्यादा मैं पहले ही बोल रहा हूँ ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, किसी की भी ज्वाइनिंग कैंसिल नहीं होगी। हाँ थोड़ा सा समय लग सकता है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ज्वाइनिंग कैंसिल नहीं होगी, निरस्त कुछ समय के लिए की जा रही है अस्थायी रूप से, ना कि स्थायी रूप से आपको निरस्त किया जा रहा है। तो आप ज़्यादा दबाव में प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपकी मेहनत 3 साल 4 साल आपने वेट किया, मेरिट में भी आपका नाम आ गया है, तो अब ज़्यादा चिंतित करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए ज़्यादा दबाव प्रेशर माइंड में लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा बिल्कुल भी काम रहे, और अगर कुछ होता है तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, अगर आपको भी ऐसा कोई लेटर आता है तो चिंतित ना हो, ठीक है। मेरे को इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा जितनी पॉसिबल होगी उतनी, ज़रूर बात करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों क्या लिखा हुआ है, वेरिफिकेशन ऑफ परमानेंट रेसिडेंसी स्टेटस, ये आ रखा है ज़्यादातर जो CRPF के, ये आ रखा है देखिए असम से, CRPF का असम से आ रखा है। इसमें कुछ बंदों का रोल नंबर लिखे हुए हैं, आपने देखा होगा इसमें लिखा हुआ है इट इज़ इंटरमीटेड डेट एज द जिस CRPF खटखटी लेटर ऑन डेट फॉलोइंग कैंडिडेट हैव बीन सेलेक्टेड टू द पोस्ट ऑफ CTGD इन CRPF एज पर इंस्ट्रक्शन परमानेंट रेसिडेंसी स्टेटस इन RO सेड कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू असम स्टेट आर रिक्वायर्ड टू बी वेरीफाइड बिफोर इशू ऑफिस अपॉइंटमेंट। मतलब जितने भी असम के जो रेसिडेंसी वाले हैं खटखटी वाले, उनको ये लेटर दिया गया है कि उनको आपको ये आपका परमानेंट एड्रेस पहले से ही वेरीफाइड करना पड़ेगा। दोस्तों तो ये और किसी स्टेट में अभी तक नहीं आए, ये केवल असम स्टेट में आए। जितने भी इसमें कैंडिडेटों के नाम हैं, फॉलोइंग कैंडिडेट जितने भी कैंडिडेट हैं इनके जिसके नाम हैं इनको, मतलब विशेष ये, और ये टोटल के टोटल असम के, तो इनको अपना जो रेसिडेंसी परमानेंट रेसिडेंसी है उसको वेरीफाई करने के लिए ये लेटर आया दोस्तों। तो उसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप देखते ही आप सोचते हो कि अब सभी को रेसिडेंसी वेरीफाइड करनी पड़ेगी, मूल निवास परमानेंट एड्रेस वेरीफाइड करना पड़ेगा, तो वो वेरीफाइड तो होगा तब बाद में होगा आप सभी का। लेकिन ये असम स्टेट में कुछ विशेष खटखटे जीसी से आए हैं, काफ़ी का आए हैं, टोटल खटखटे जीसी के या असम स्टेट के, और भी एक दो है वो सभी असम स्टेट के ही हैं, आपने देखे होंगे आपके पास में मेरे से पहले आ जाता है ग्रुप में, आपने देखा होगा वेरिफिकेशन ऑफ परमानेंट रेसिडेंसी, ये भी असम का आप सभी को पता है, इसमें भी 6-7 नाम है। यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू वेरीफाई द रेसिडेंसी स्टेटस ऑफ अबाउ कैंडिडेट्स एंड सबमिट द वेरीफिकेशन रिपोर्ट टू द अर्लीस्ट ड्यूटी एक्सप्लीट देर द ऑफिस सील एज अथॉरिटी इशू ऑफ अपॉइंटमेंट टू कंसर्ड इंडिविजुअल। तो 14 फरवरी का ये आ रखा है, और लेकिन ये टोटल के टोटल असम स्टेट के हैं दोस्तों, तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी सभी के जितने भी CRPF के जिनके ज्वाइनिंग लेटर आ गए हैं कि आपको भी परमानेंट एड्रेस वेरीफाइड कराना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये असम में कुछ बच्चों का आया, बाकी और किसी स्टेट में बच्चों का रेसिडेंसी मतलब परमानेंट रेसिडेंसी वेरीफाइड कराने का नहीं आता। परमानेंट जो आपकी रेसिडेंसी वेरीफाइड होती है वो पुलिस वेरीफिकेशन के माध्यम से होती है दोस्तों। इनका ये पहले आया, इसका रीज़न अभी पता नहीं है कि इसका रीज़न क्या है, लेकिन ये ओनली असम का है, तो बाकी सबको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, और इसको वेरीफाइड कराने में कोई बड़ी मतलब आपको महाभारत नहीं करनी। जिन बच्चों के आए हैं उनके जो मूल निवास है, जो उन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाए थे उनमें मिस्टेक होने के कारण इनको वेरीफाइड कराना पड़ा है, ना कि सभी को वेरीफाइड करवाना पड़ रहा है। इनके जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसमें मिस्टेक है, इनके डोमिसाइल सर्टिफिकेट में पिन कोड या इनके जो मिस्टेक है पिन कोड की, या छोटी छोटी कुछ प्रॉब्लम है जिनकी वजह से इनका रेसिडेंसी जो एड्रेस है, या इन्होंने जो परमानेंट एड्रेस और परजेंट एड्रेस में कुछ भिन्नताएँ नहीं की है या कुछ प्रॉब्लम लिख दी है, तो उसकी वजह से इनको वेरीफाइड कराना, और इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। अगर और भी किसी को ऐसा आता है अदर स्टेट में तो इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं, वो आपके जब आपने फॉर्म फिलअप किए थे, या आपका जो परमानेंट एड्रेस है या जो परजेंट एड्रेस है उसमें डिफरेंस होने की कंडीशन में ये आपको रेसिडेंसी आपकी वेरीफाइड करानी पड़ती है, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें बिल्कुल आपको घबराने वाली बात नहीं। अगर और भी कोई स्टेट में आता है, चाहे कोई से भी स्टेट में, कोई से भी डिपार्टमेंट, चाहे CISF CRPF BSF ITBP कोई से भी डिपार्टमेंट का आता है,
आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वो रेसिडेंसी वेरीफाइड करानी है। तो आपको पता है कि किस प्रकार से वेरीफाइड होती है, आप सभी को पता है मूल निवास और डोमिसाइल सर्टिफिकेट से वेरीफाइड हो जाती है। उस प्रकार से वेरीफाइड करानी चाहिए, कोई से भी स्टेट का, चाहे राजस्थान का आए, चाहे पंजाब हरियाणा कहीं का भी आए, इसमें मतलब ना तो इसमें आपकी ज्वाइनिंग को इफेक्टेड होगी ना ज्वाइनिंग लेट होगी, इसमें कुछ ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको रेसिडेंसी वो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी वेरीफाइड करा देनी। फिलहाल ये खटखटी जीसी असम में जिनके टोटल जितने बच्चे हैं उनके असम के ही है, उन्हीं के आए हैं। ठीक है, और ये और भी स्टेट के आ सकते हैं, जैसे सीआरपीएफ के और कोई जीसी अजमेर जीसी तो उसके अजमेर के आसपास के कुछ बच्चों के आ सकते हैं, या ये आपको मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ कि आ सकते हैं, फिर आने के बाद में आप मेरे से बोलोगे कि सर अब हम क्या करें, या उस डिपार्टमेंट का आ गया या सीआईएसएफ का आ गया, आईटीबीपी का आ गया, कोई से भी डिपार्टमेंट का आ सकता है, इसमें आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें एक कॉन्टैक्ट नंबर भी ज़रूर दिया हुआ रहता है, अगर नहीं आता कॉन्टैक्ट नंबर आपको तो जिस जिस से आपको लेटर आता है, चाहे सीआरपीएफ की हो, बीएसएफ की हो, आईटीबीपी असम रायपुर कोई से भी की हो, आप मेरे को मैसेज करना इंस्टाग्राम पे, मैं कोशिश करूँगा कि उसके कंट्रोल रूम के आपको नंबर दे दूँ ताकि वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपकी इतनी प्रॉब्लम आ रही है जीडी वैकेंसी में कि मैं हर प्रॉब्लम को मतलब मैं खुद नहीं बता पाता, मेरे को पता करने में मेरा खुद का पूरा दिन चला जाता है, और अगर मैं पता नहीं करूंगा आपको ऐसे ही कुछ बग दूंगा तो वो आपके लिए भी नुकसान कर दूंगा, तो उससे अच्छा है मैं उसके बारे में बताऊं ही नहीं, जब तक मेरे को पता नहीं चलता मैं बताता ही नहीं। इसीलिए जो लेटर है ये कल के आए हुए मेरे पास में, लेकिन इनका पता क्या भाई, क्या इनके रीज़न है, किस वजह से आ रहे हैं, ये असम वाला और भी कोई स्टेट में आया कि और कोई स्टेट में अभी तक नहीं आया तो उनका आ रहा हो, क्योंकि उनके जो रेसिडेंसी है उसमें इस प्रकार की मतलब मूल निवास में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपके भी हो सकती है, आपने जब डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाया था उसमें हो सकती है। अब कुछ बच्चों को जो कर्मरी लाइर वाला जो वो लेटर आ रहा है तो वो बोल रहे हैं कि सर हमको फिलअप करना, जिसके वो लेटर आया है उनको फिलअप करना, आपके ज्वाइनिंग लेटर के साथ में जितने भी लेटर अटैच आते हैं, आपके ज्वाइनिंग लेटर के साथ में जितने भी पेज अटैच आते हैं, या कोई भी चरित्र प्रमाण पत्र हो गया है, और भी कोई प्रूफ मांग रहे हैं वो, किसी के पुलिस वेरिफिकेशन, किसी के क्रिमिनल लायर वाला या गजेटेड ऑफिसर का साइन वाला, तो वो जितने डॉक्यूमेंट्स आपके ज्वाइनिंग लेटर के पीछे आए हैं वो सभी आपको कंप्लीट करके जाना, चाहे भले आप कोई सी भी कैटेगरी से हो, चाहे आप तो जनरल से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे एससी से हो, चाहे एसटी से हो, कोई सी भी कैटेगरी से हो, ये मतलब नहीं रखता है, लेकिन अगर आपके पीछे आया तो आपको वो फॉर्म कंप्लीट करके जाना दोस्तों, ताकि आपको ज्वाइनिंग में परेशानी नहीं हो। एक और दोस्त को क्वेश्चन रहता है कि सर हमारी ज्वाइनिंग जो डेट है 17 तारीख को, क्या हम 15 तारीख को ज्वाइनिंग कर सकते हैं, क्या हम 13 तारीख को ज्वाइनिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं, आप कर सकते हो, 2-3-4 दिन पहले भी ज्वाइनिंग कर सकते हो, उसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। लेकिन जो वेरीफाइड वाला है इसमें आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, वेरीफाइड वाला आ रहा है, कईयों का आ रहा है और आपका भी आ सकता है, चाहे कोई से भी डिपार्टमेंट के हो आप, लेकिन आपको मैं पहले ही बोला इससे आपकी ज्वाइनिंग इफेक्टेड नहीं होगी, ना ज्वाइनिंग इफेक्टेड होगी, ना इसका कोई वेरीफिकेशन होगी, ना इस पर कोई सस्पेक्टेड आपको माना जाता है, इसमें सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स में वो मूल निवास में अगर उनको कोई मिस्टेक लगती है या कोई पुराना मूल निवास जैसे 3 साल की अवधि खत्म हो गई उसकी वजह से भी रेसिडेंसी वेरिफिकेशन के लिए आपको बोल देते हैं। मान लो किसी का 3 साल से ऊपर हो गया, हर एक स्टेट में अलग अलग इसका टाइम मेजरमेंट रखा, किसी में 2 साल, किसी में 3 साल, तो उस कंडीशन में इसमें थोड़ा सा समस्या रखी गई है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये क्लियर हो जाएगा और जल्दी आप सभी की ज्वाइनिंग हो जाएगी। इस बार थोड़ी सी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत मुश्किलें आ रही है, क्योंकि एक तो ये गलतियां आपकी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपके फॉर्म भरने समय आपने इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की जिसकी हद नहीं, आपके खुद के नेम तक गलत लिख रखे हैं, खुद का नाम भी गलत लिख रखे हैं, बोलो खुद का नाम भी गलत रख रखा है तो फिर किसका रखोगे आपसे, खुद के नेम मिस्टेक, खुद की डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक, खुद के डिस्ट्रिक्ट के मिस्टेक, जिला भरने में मिस्टेक, मतलब इतनी मिस्टेक आपने कर सकी, फादर नेम में मिस्टेक, मदर नेम में मिस्टेक, रोल नंबर भी सही नहीं डाल रखे हैं 10th क्लास की मार्कशीट के, अब इतनी मिस्टेक की है तो डिपार्टमेंट भी उसको वेरीफाइड तो करेगा नहीं, तो ये इलीगल भी हो सकता है, कोई फेक भी हो सकता है, और उसी की वजह से आप सबको परेशानी हो रही। तो दोस्तों अपने जो छोटे भाई अब जो तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर बता देंगे इस प्रकार की गलतियाँ ना करें, चलो आपकी तो हो गई, लेकिन अपने छोटे भाइयों को ज़रूर बता दें जो फॉर्म भरने वाले हैं 25 मार्च को, उनको ज़रूर बता दें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।